हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शंस के बारे में देखा था, और फिर हमने ये प्रूव किया था कि फर्मियॉन्स पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो ओबे करते हैं और बोजॉन्स ओबे नहीं करते हैं। तो उनका प्रूफ देखा था हमने। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और यही क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है किसका, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का। कितने एंसेंबल हमने पढ़े हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। तो ग्रैंड कैनोनिकल का जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उससे हम लोग मीन ऑक्यूपेशन नंबर निकालेंगे बोजॉन्स का एंड फर्मियॉन्स का, विच मीन्स कि हम लोग मीन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बोजॉन्स और फर्मियॉन्स के इन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप से आएगा, डिफाइन क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मीन ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ बोजॉन्स एंड फर्मियॉन्स। तो आप लोग अगर लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो इससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आए तो आप ये प्रूफ लिख सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, हम लोगों ने इसके पहले क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल में, तो उसका प्रूफ हमारे पास है। तो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा किससे रिलेट करता है, एनर्जी से रिलेट करता है। वो हम लोगों को क्या पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी है कोई भी एनर्जी स्टेट ई में। ठीक है, सो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ रिलेटेड टू एनर्जी स्टेट ई, कोई भी एनर्जी स्टेट ई है तो उससे रिलेटेड होता है हमारा क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज़ इन द स्टेट ई। ये हमें क्या देता है, हमारे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देता है जो ई स्टेट में है। ठीक है, अब हम लोगों को डिटरमाइन क्या करना है, हम लोगों को मीन ऑक्यूपेशन नंबर डिटरमाइन करना है बोजॉन्स और फर्मियॉन्स के लिए। तो सबसे पहले हम बोजॉन्स के बारे में देखेंगे कि बोजॉन में हम लोग मीन ऑक्यूपेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन ऑक्यूपेशन नंबर मतलब इन जनरल हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बोजॉन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का कंसीडर करना है, और उसी से हम लोग मीन ऑक्यूपेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे बोजॉन्स का और फर्मियॉन्स का। तो अभी मैंने बोजॉन कंसीडर किया है। सो इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल द ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन दैट इज पार्टीशन फंक्शन, मतलब ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, जेड एन से। क्या है वो, जेड एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन एन। इसमें जो ये एन है ये एक एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो एक एन है वो है क्वांटम स्टेट। ठीक है, तो एक एन नंबर ऑफ पार्टिकल है और एक एन है क्वांटम स्टेट। तो हम लोगों ने दोनों समीशन में लिया है, इज़ समीशन ऑफ एन इंटू कैपिटल एन e to the power minus en by kt into e to the power mu n by kt। ये क्या है हमारा, जैसे हम लोगों ने प्रूफ्स देखे थे ना, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, फिर कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, तीनों में पार्टीशन फंक्शन था। तो ये हमारा पार्टीशन फंक्शन है। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का क्या है, जेड एन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन एन इंटू ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी इंटू ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में ये समेशन की साइन को सेपरेट किया, तो क्या हो गया, समेशन एन ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी इंटू समेशन ऑफ एन ई टू द पावर माइनस ई एन बाई के टी। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, सिर्फ ये कैपिटल एन कंसिडर किया है, मतलब स्मॉल एन को हम हटा रहे हैं। तो जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हम लोगों को इसी का ऑक्यूपेशन नंबर बताना है बोजॉन्स के लिए। तो कैपिटल एन हमने सिर्फ कंसिडर किया है इंटू ई टू द पावर म्यू एन बाई के टी इंटू ई टू द पावर माइनस ई एन था, देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एन को तो इग्नोर किया है, तो यहाँ पे सिर्फ ई लिखा है, माइनस ई बाई के टी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, एन है, और हमारी एनर्जी कितनी है यहाँ पे, ई। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल एन और एनर्जी ई है, तो वो कैसे डिनोट करेंगे, एन ये क्या है, ग्रुप का ग्रुप है, पूरे सिस्टम जो भी हमारा एंसेंबल है उसमें बहुत सारी सिस्टम्स है ना, बहुत सारी सिस्टम्स हमने कंसीडर की थी एंसेंबल में, तो उन सब में जितने भी पार्टिकल्स हैं N1, N2, N3, इन सब का सम क्या है हमारा, कैपिटल एम। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएंगी, एनर्जी क्या होती है, एन स्मॉल एन इंटू ई, तो N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, ये हमारी क्या हो जाएंगी, टोटल एनर्जी हो जाएंगी।
ठीक है, तो वैसे ही कैपिटल एन क्या हो गया हमारा, समेशन ऑफ एन आई, एन आई मतलब जितने भी पार्टिकल्स है, n1 + n2 + n3 + --, और कैपिटल ई क्या हो गया हमारा, एन आई ई आई, समेशन ऑफ, समेशन मतलब n1 e1 n2 e2 + n3 e3, ये पूरा का समेशन क्या हो गया हमारा, कैपिटल ई। तो हमारे पास एन है और ई है, तो हम यही एन और ई की वैल्यू हमारा जो जेड एन का इक्वेशन था जो हमने निकाले थे उसमें पुट करेंगे। हमारा जो इक्वेशन वन था, तो जेड एन का इक्वेशन में हमने पुट किया समेशन ऑफ एन ई टू द पावर म्यू इंटू कैपिटल एन था, तो कैपिटल एन की जगह मैंने लिखे म्यू इंटू n1 + n2 + n3 + --, इंटू इंटू क्या था, ई टू द पावर ई बाई के टी, माइनस ई बाई के टी। तो माइनस ई, ई की जगह मैं क्या लिखूंगी, n1 e1 + n2 e2 + nn, मतलब एन तक, ठीक है, बाई के टी। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये दोनों में से कॉमन लिया n1 को, तो मेरी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन ई टू द पावर माइनस n1 पहले कॉमन लिया, माइनस n1 अगर ये वाली फर्स्ट टर्म और इसमें से माइनस n1 अगर मैंने कॉमन ली, तो क्या बचेगा, e1 माइनस म्यू, समझ आ रहा है। अब कौन सी टर्म्स बची, बाकी टर्म्स बची, तो इन टू में क्या ली, ई टू द पावर माइनस n2, n2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, e2 माइनस म्यू बाई के टी, ऐसे डैश 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 होगा जितना भी है, n3 e3 n4 e4 तक। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n1 के लिए, n1 पार्टिकल्स, ठीक है, n1 पार्टिकल के लिए माइनस n1 इंटू e1 माइनस म्यू बाई के टी, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने सेपरेट किया समेशन को, तो ये सिर्फ n1 पार्टिकल के लिए होगा, ये सिर्फ n2 पार्टिकल के लिए होगा, जेड एन की वैल्यू n2 के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ n2 इंटू ई टू द पावर माइनस n2 इंटू ई टू माइनस म्यू बाई के टी। तो बी स्टैटिस्टिक्स में हम किसको कंसिडर करते हैं, बोस आइंस्टाइन में हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बोजॉन्स होते हैं, तो हम लोग एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये जो भी इक्वेशन है हमारा इसमें हम लोग एन की वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमारी वैल्यू है इसमें हमने पुट किया समेशन ऑफ n1 इंटू ई टू द पावर माइनस n1 इंटू e1 माइनस म्यू बाई के टी। अब इसमें हमने n1 की जगह पे 0 1 2 3 पुट किया, तो हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज मिली, 0 पुट किया, तो n1 के पास ई टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। फिर 1 पुट किया, 1 पुट करने के बाद ई टू द पावर माइनस e1 माइनस म्यू बाई के टी आएगा, फिर n1 की जगह 2 करेंगे तो ई टू द पावर -2 e1 माइनस म्यू बाई के टी आएगा, ऐसे डैश डैश डैश। फिर ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 + e + e² + e³, ये फॉर्मूला बन गया 1 - e 1 - x का होल इनवर्स, है ना, 1 - x का होल इनवर्स क्या होता है, 1 + x + x² ऐसे होता है, तो 1 - x क्या है हमारा, e टू द पावर, तो e टू द पावर -e1 - μ/kt का इनवर्स, ठीक है। अब मैं इसको इनवर्स है तो मैं इसको रेसिप्रोकल में लिख सकती हूँ, क्या हो जाएगा मेरा, समेशन ई टू द पावर -n e1 - μ/kt की वैल्यू 1 upon 1 - e2 - e1 - μ/kt, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मेरी जेड एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जेड एन की वैल्यू हो जाएंगी 1 upon 1 - e2 - e1 - μ/kt है इंटू, ये क्या हो जाएगा, मैं इस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ, यहाँ पे e1 - μ/kt होगा, तो यहाँ पे समेशन n2 है, मतलब n2 के जितने पार्टिकल्स है वो वाले होंगे, तो यहाँ पे e1 की जगह क्या आ जाएगा, e2 आ जाएगा, तो इंटू में क्या ली मैंने, 1 upon 1 - e2 - μ/kt, ठीक है। फिर इसको मैं कैसे, ऐसे डैश 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 चलता रहेगा, e2 फिर e3 फिर e4 फिर e5 ऐसे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है सारी टर्म्स, तो जेड एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिया हमने 1 upon 1 - e2 - μ/kt, मतलब पूरी टर्म्स का प्रोडक्ट आ गया, वो e1 भी हो गया, es मतलब सभी का, e1 e2 e3 e4 e5 e6, पूरा जितने भी एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बोजॉन्स के लिए मीन ऑक्यूपेशन नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ आ गया, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद दोनों साइड
हम लोग दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग हमारा। तो दोनों साइड लॉग लेने के बाद क्या हो गया, ln ऑफ जेड एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस ln, ln ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं रेसिप्रोकल को, ये क्या हो जाएगा ln ऑफ जेड एन इज इक्वल टू माइनस बाहर समेशन एस ln ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या हम लोग निकाल रहे हैं, मीन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ऑक्यूपेशन नंबर, ऑक्यूपेशन नंबर इज मीन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ये किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एन, ऑक्यूपेशन नंबर एन, एवरेज ऑफ एन, मीन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डोमेगा बाय डोम्यू, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, माइनस के टी एल एन जेड एन, हमने देखा था पहले भी, तो डेल बाय डेल म्यू के रिस्पेक्ट, डेल म्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग इसकी डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे क्या लिया हमने, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो गया, और ये के टी एल एन ऑफ जेड एन। ठीक है, तो के टी यहाँ से बाहर आएगा, तो के टी डेल बाय डेल म्यू एल एन ऑफ जेड एन हो गया, तो के टी डेल बाय डेल म्यू एल एन ऑफ जेड एन, एल एन ऑफ जेड एन की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएंगी, माइनस समेशन ऑफ एस एल एन ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी, ऐसा आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, यहाँ पे हमने डेल बाय डेल म्यू समेशन के अंदर लिया, फिर एल एन ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी लिया, फिर वन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होती है, लॉग एक्स की वन बाय एक्स, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं, म्यू के रिस्पेक्ट में, तो कैसे क्या हो जाएंगी, वन अपॉन वन माइनस के टी समेशन ऑफ एस, तो वैसे ही रहेगा वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में, म्यू के रिस्पेक्ट में है, तो पहली वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएंगी, और दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी, और म्यू के रिस्पेक्ट में है तो और इंटू वन बाई के टी आएगा, है ना। तो हमारी मीन ऑक्यूपेशन नंबर की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएंगी, एन एस, एन एन मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मीन की समेशन ऑफ एस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ उसको, समेशन ऑफ एन एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस इंटू वन अपॉन ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी। अगर देखो मैंने इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस वन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस ई टू द पावर ये, और ये डिनोमिनेटर ऊपर करेगा। कन्फ्यूज मत होना, ये दो टर्म्स में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रीअरेंज किया है वो टर्म को, जो e टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी है उसको नीचे ले गए, और ये वन को, ये माइनस वन है, ये माइनस वन से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वाली टर्म मिलेंगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, सेम ही है दोनों टर्म। फिर क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एस एन एस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन अपॉन, वही इसको वापस रीअरेंज किया, वन अपॉन वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी अपॉन ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी। ठीक है, फिर हमारी ये टर्म क्या आ गई, समेशन ऑफ एस। अभी हमने जो नीचे वाली टर्म थी सब डिनोमिनेटर उसको बाहर लिया, ई टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी इंटू वन माइनस ई टू द पावर, उसी को रीअरेंज किया है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी। ठीक है, अब इसको अरेंज करने के बाद अब क्या किया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये वाली टर्म है समेशन ऑफ एस इंटू एन एवरेज ऑफ एन एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ वन अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया ये टर्म से, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी। अब माइनस
अब ये इनटू में आ जाएगा ई टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी, और ई टू द पावर माइनस ई एस माइनस म्यू बाई के टी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 0, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, वही टर्म को अरेंज करके ले जा रहे हैं हम लोग आगे की स्टेप्स में। तो ऐसा हमेशा फिर ये क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ एन एस हमारा 1 अपॉन ई टू द पावर ई एस माइनस म्यू बाई के टी माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म क्या होता है, ई टू द पावर अल्फ़ा बाई के टी अल्फ़ा बाई बीटा, ऐसा होता है ना, ई टू द पावर अल्फ़ा बाई बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो गया माइनस म्यू बाई के टी, और बीटा हो गया 1 बाई के टी। तो हमारा जो मीन ऑक्यूपेशन नंबर है जिसको हम लोग एवरेज ऑफ एन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं बोजॉन्स के लिए, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ई एस माइनस 1। ये फॉर्म में हमारा आ गया मीन ऑक्यूपेशन नंबर फॉर बोजॉन्स। ठीक है, ये बोजॉन्स के लिए मीन ऑक्यूपेशन नंबर है हमारा। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में फर्मियॉन्स का मीन ऑक्यूपेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में, वो भी बहुत सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होगा उसमें साइन का, क्योंकि हमने देखा था कि बोजॉन्स में क्या होते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में बोजॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, और जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है जिसमें नेगेटिव साइन आता है प्रोबेबिलिटी में वेव फंक्शन में, उसमें फर्मियॉन्स होते हैं। तो हम लोग फर्मियॉन्स का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मीन ऑक्यूपेशन नंबर। थैंक यू।